रात के अंधेरे में और कड़ाके की ठंड में ये यात्री ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहे बल्कि ट्रेन को रोक कर खड़े हो गए और वजह जानकर हैरान हो जाओगे आप। दरअसल रोहतक जिंद रेलवे रूट पर जाने वाले यात्रियों का गुस्सा आज फूट पड़ा और उन्होंने दिल्ली कुरुक्षेत्र एक्सप्रेसवे गाड़ी को रोहतक रेलवे स्टेशन पर रोक रखा। इन यात्रियों का कहना है कि कोरोना और कोहरे की वजह से रद्द हुई पैसेंजर ट्रेन को या तो दोबारा चलाया जाए या फिर इस एक्सप्रेस ट्रेन को जींद तक हर स्टेशन पर रोका जाए। पैसेंजर ट्रेन बंद होने से सर्दी के इस मौसम में यात्रियों का बुरा हाल हो चुका है। यात्रियों को जीआरपी पुलिस और रेलवे पुलिस ने समझाने का काफी प्रयास किया लेकिन ये यात्री किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हुए। ट्रेन इसलिए रोक रखी जी, पिछले 15 दिन पहले बंद रखी ट्रेन ये फिर बंद कर दी, शाम में 6 बजे ट्रेन जा कर दी वह कैंसिल कर रखी है। कोरोना के बाद यह ट्रेन चलाई या सुपर फास्ट कर दी, जो हमारा लोकल स्टेशन आया इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। नु बताओ जिसकी छुट्टी 5:30 बजे हुआ है वो बंदा 8:30 बजे तक वेट करे हाड़े, तो किस तरह बंदा जावा करा, बालक किस टाइम तक वेट करेंगे। वे सवेरे ट्रेन है, सवेरे एक ट्रेन 6 बजे आ जाए उड़ते लिकट के, किस टाइम बंदा निकला करता है, 6 बजे निकल के 10 बजे ग्राम पहुंचा की करेगा। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है ट्रेन? ये दिल्ली से कुरुक्षेत्र चला रखी जी, पहले पैसेंजर थी कोरोना था लेकिन कोरोना के बाद यह सुपर फास्ट कर दी, पता किस जाओगे बीच ट्रेन। इसको लेकर के जैसे सुपर फास्ट कर दी है कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इसमें? दो हजार बंदे प्रभावित हैं जी, जिसमें 500 बंदे तो उरा खड़े हैं फिलहाल, ठीक है, और 500 में तो 1500 बंदे बेचारे बसा में ट्रेवल करके जावे हैं, जो जीन से गतोली तो 50 रुपए किराया लागा है और ट्रेन में 9 रुपए में पास बने जी। गरीब आदमी तो 10,000 रुपए दिहाड़ी करना आया है, वो 100 रुपए 150 रुपए दिहाड़ी कितने के जाओगे? कितनी देर से रोक रखी है ट्रेन आपने? हाँ जी, कितनी देर से रोक रखी है? अभी कम से कम आधा पौना घंटा हो गया। कोई आश्वासन मिले? कोई आश्वासन नहीं है, आश्वासन नहीं है। ये कहते हैं कि लाठीचार्ज हो जाएगी वो, और अब इसमें हमने कोई तोड़फोड़ नहीं करी, कोई उत्पात नहीं करा, सारे शांति प्रिय बैठे सारे नाम करना चाहते हैं। क्या मामला है, क्यों रोक रखी है ट्रेन? पता नहीं जी क्यों रोक रखी है, प्रदर्शन चल रहा है कोई, क्या पता आधा घंटा हो गया यहाँ रोकते हुए। तो ये ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है? ये दिल्ली से कुरुक्षेत्र जाती है जी। तो ये पैसेंजर है या सुपर फास्ट है? पैसेंजर है जी, एक्सप्रेस ही है जी, पहले तो पैसेंजर थी अब एक्सप्रेस बन गई है कोविड के बाद। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक जो एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई हैं, ये पहले पैसेंजर ट्रेन थी लेकिन कोरोना के बाद इसको एक्सप्रेस में तब्दील कर दिया गया। यही नहीं, अब कोहरे की वजह से जींद तक की कई पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई है जिसकी वजह से आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। या तो सुबह 6:30 बजे पैसेंजर ट्रेन मिलती है और जाते वक्त रात को 8 बजे तक इंतजार उन्हें करना पड़ता है, इसलिए आज उन्होंने विरोध स्वरूपी दिल्ली कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस को रोका है। उनकी मांग है कि या तो पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए या फिर इस एक्सप्रेस ट्रेन को रोहतक से जिंद तक हर स्टेशन पर रोका जाए, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो ट्रेन को चलने नहीं देंगे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।